नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार तहसील चांदपुर के गांव के किसान ने आवारा पशुओं द्वारा गेहूं की खड़ी फसल में किए गए नुकसान से तंग आकर अपनी गेहूं की फसल पलट दी, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि चांदपुर तहसील के गाँव मुजफ्फरपुर खादर निवासी अमित कुमार ने लगभग 3 बीघा गेहूँ की फसल को इसलिए पलट दिया क्योंकि फसल को घुमंतू पशुओं ने नष्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश में घुमंतू पशुओं की समस्या को लेकर किसान बेहद परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश एवं गौशाला खुलने के बाद भी घुमंतू पशुओं से तंग आकर किसान अपनी खड़ी गेहूं की फसल को जोत रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी गौवंश खुलेआम किसानों की फसल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। गेहूं की फसल पकने को तैयार है, परंतु घुमंतू पशुओं के द्वारा खेतों में लगातार नुकसान किया जा रहा है, इसको लेकर किसान बेहद चिंतित है। किसान अमित का कहना है कि गेहूं की फसल उगाने के लिए जुताई बुआई खाद पानी बहुत महंगा पड़ता है, काफी खर्च आता है। गेहूं की फसल में मेरी लागत भी वापस नहीं आती, इसीलिए मैं गेहूं की फसल को पलटकर गन्ने की फसल बोने जा रहा हूं। दूसरी ओर गौशाला में भी पशुओं की हालत ठीक नहीं है, चारे एवं देखभाल के अभाव में पशु बीमार हो रहे हैं तथा चिकित्सा के अभाव में मर भी रहे हैं। अमित नाम है जी, मेरा गांव है मुजफ्फरपुर खादर बच्चाने के पास। क्या करें बताओ, हमारा पशु रात दिन यहाँ पैसा भी दिया, जब बिना रुके इसमें लागत भी लगाई, बीज भी घेरा, जब हो ही ना तो अभी पलट कर करना बोला पड़ रहा जी। अब गेहूँ भी कहीं नहीं रहे तो हमारा छुट्टा पशुओं के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहें? बस सरकार से तो यही है जी, इन पशुओं का इंतजाम जरूर करें, जगह तय जहाँ तहाँ जैसे भी करे गौशाला बनवावे, इनका इंतजाम जरूर करावे। इंसान बहुत दुखी, खेती बहुत बर्बाद कर रहे हैं। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।